इस वीडियो में हम भाग विधि से वर्गमूल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न संख्या एक है 2304 का और प्रश्न संख्या दो में 4489 का वर्गमूल करना है। पहला प्रश्न है, इसे इस प्रकार से रखते हैं हम भाग विधि में 2304। सबसे पहले हम दाएं तरफ से जोड़ा बनाते हैं दो दो संख्याओं का, यहाँ दो संख्याओं को एक साथ और ये यहाँ पर भी दो संख्या है, अगर एक संख्या होती तो उसी में सबसे पहले भाग देते, ये दो संख्या हो गई। अब हम जो भाग देंगे वो किसी भी एक संख्या का वर्ग लेते हैं, ठीक है। अब वर्ग लेने के लिए हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि वो संख्या का वर्ग, हमारी जो ये संख्या दी गई है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 3 × 3 हमारे पास में 9 होते हैं, 4 × 4 16 और 5 × 5 25 होते हैं। तो किसी भी एक संख्या का वर्ग उसी का लेंगे जो इससे बराबर हो या कम होना चाहिए। तो बराबर तो अपने पास में है नहीं, कम है, तो यहाँ पर हम लेंगे 4 × 4, ठीक है। तो ये हो गए कितने, इसमें आता अपने पास में 16 प्राप्त होते हैं और भागफल हमें प्राप्त होंगे 4। अब आगे हम जब हल करते हैं तो इन दोनों संख्याओं, जिस संख्या का हमने वर्ग लिया था इसके, ये जो दोनों संख्या है इनका योग करते हैं, इनका योग हो गया 8। 23 में से हम 16 कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7। से जो संख्या बची हुई है उसको हम वैसे के वैसे उतार देंगे, ये हो गए 704। अब इस संख्या को जब हल करेंगे तो यहाँ पर 8 7 में रहेगा और जो संख्या हम वर्ग में लेंगे वो दोनों तरफ आएगी। तो पहले हम 5 से शुरू करते हैं, ये वर्ग संख्या ले ली और ये संख्या जो पहले से ही योग में आई है अपने पास में, 5 × 5 25 और 8 × 5 40 40 × 2 42, ये बहुत कम है, थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, गुना 7 × 7 49 7 × 8 56 56 × 4 60, ये कम है अभी तक, 8 लेंगे 8 × 8 64 8 × 8 64 4 6 8 × 8 64 और 6 70 704 में फिक्स बराबर संख्या आ रही है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 8, यहाँ पर भी 8 लिख सकते हैं क्योंकि यही वर्ग संख्या हमने ली थी और ये संख्याओं का योग है। 704 बिल्कुल हमारे पास में 8 बार में प्राप्त हो रहे हैं 8 के वर्ग में। यहाँ शेषफल हमारे पास में 0 है, इन संख्याओं का आगे हल करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि माइनस करने पर 0 प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न का जो है √2304 जो है इसका वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है 48। उसी प्रकार इस संख्या का हम वर्गमूल करेंगे, सबसे पहले भाग विधि की तरह हम यहाँ पर इसे रख लेते हैं, इन संख्याओं को 4489। दो दो संख्याओं को हम यहाँ पर भी जोड़ा बना लेते हैं, सबसे पहले 44 में हम भाग देंगे तो 6 × 6 36 होते हैं अपने पास में और 7 × 7 49 होते हैं, तो 49 अधिक है तो 6 × 6 लेंगे हम यहाँ पर, यहाँ 6 × 6 इन दोनों संख्याओं को नीचे जोड़ देंगे और यहाँ पर हमारे पास में जिस संख्या के वर्ग पर संख्या प्राप्त होती है वही हमारा भागफल होता है। तो 6 को गुणा किया ना उसी पे 36 आते हैं, तो यहाँ हमारा भागफल 6 होगा। यहाँ पर इस संख्या को 14 में से 6 गए तो यहाँ पर अपने को प्राप्त होंगे 8, यहाँ 3 बचे, 3 में से 3 गए 0 और यहाँ 89 वैसे के वैसे हम रख देंगे, ठीक है। अब आगे जो संख्या है उसको हल करेंगे तो 6 और 6 12, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का योग आ गया। अब 12 तो ये अपने पास में पहले से है, अब कोई सी संख्या जिसका वर्ग लेंगे हम वो इसके साथ में लेंगे, तो कम से कम 4 से शुरू करते हैं हम, तो 4 पे यहाँ पर 4 × 4 ही आएगा, यहाँ 6 लेंगे, 6 × 6 36 और 3 × 6 = 12 12 × 3 = 15 5 × 1 6 × 1 7 तो 756 कम है,
यहाँ लेंगे हम छः की जगह सात, सातों सात उनचास, चार बचे, सात दोनों चौदह, चौदह चार अठारह, एक बचा, सात एकम सात और एक आठ, तो सात बार में हमारे पास में पूरे 889 संख्या आ रही है। अब इससे आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हमारे पास में यहाँ माइनस की ना संख्या हमें क्या प्राप्त होता है शेष पर जीरो, और सात यहाँ लिख देंगे जिस संख्या का हमने वर्ग लिया था। तो ये हमारे 4489 का वर्गमूल प्राप्त हुआ है 67। उसी प्रकार से दो सवार 3481 और 3249 इन दोनों सवालों को आप प्रैक्टिस के तौर पे करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्लास फर्स्ट टू 12th एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।